हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीरे, पनीर और एप्पल का सैलड, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी है और सारा परिवार इसको रिलिश कर सकता है और इसके फ़ायदे उठा सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको हमने तैयार करना है। इसके लिए हमने दो खीरे लिए हैं, एप्पल लिए हैं और थोड़ा पनीर लिए हैं, काजू लिए हैं, बादाम, नींबू का रस, शहद और चाट मसाला लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे। हमने अब सारे फ्रूट को और पनीर को छोटा छोटा काट लिया है और पीसेस छोटे छोटे बना लिए, और एक बराबर से हमने खीरा और एप्पल पनीर ले लिए। हम अभी इसको मिक्स करेंगे। इसके हमें बहुत से फ़ायदे हैं। ऐसा सैलेड बना के खाने से हम अपने परिवार को एक हेल्दी भोजन देते हैं, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है और बाहर से हमें नहीं लेना पड़ता कि जो कोई ऐसा सैलेड जाम बना हुआ है जो कि हेल्दी ना हो, तो घर में ही हम इसको बना लेते हैं। तो घर में बना के हम अच्छा साफ सुथरा खा सकते हैं। अब हमने इसमें काजू मिक्स किए हैं, थोड़ी सी किशमिश मिक्स की है हमने, और इसमें हमने शहद मिक्स किया है। शहद भी बहुत हेल्दी है हमारी सेहत के लिए। उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस पाया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको डाल सकते हैं, भी आप कितना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ हमने चाट मसाला लिया है, जो कि हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये चाट मसाला मैंने घर में ही तैयार किया है। मैं अपनी अगली रेसिपी में आपको बताऊंगी कि ये कैसे तैयार होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल भी बहुत हेल्दी है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसमें कोई सा भी फ्रूट मिक्स कर सकते हैं, जो भी हम पसंद करते हैं। अपने टेस्ट के अनुसार हम मसाले और जूस, लेमन जूस और शहद अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैंने इसमें काजू और किशमिश डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी है, हम अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर सकते हैं। किसी भी टाइम जब हमें भूख लगे, हमारे बच्चों को भूख लगे, तो हम ये वाला सैलेड बना के खा सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है और इसके बहुत बेनिफिट हैं। ये जो सैलेड हमने बनाया है, इसके बहुत बेनिफिट हैं हमें। इसमें हमें फाइबर भी मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से सैलेड बनाएं। जब भी बच्चों को भूख लगे, आपको खुद को भूख लगे, तो आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करो। इससे बहुत आपको बेनिफिट होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा है। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपको मिलूँगी।
लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।